हाँ गाइस, कैसे हैं? मैं अभी बिहार यूपी गंगा ब्रिज पर हूँ और एक छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरा परिचय, मैं सुरेश ब्लॉग देवभूमि बक्सर की परिचय, राम की विद्यास्थली बक्सर। और दर्शन कीजिए हमारे पीछे माँ गंगा, बक्सर का परिचय। बक्सर से गुजरते निकलती है माँ गंगा, तो संध्या इवनिंग होने वाला है, आप लोग दर्शन कीजिए माँ गंगा का। मेरा ये ब्लॉग बनाने का तात्पर्य यही रहा। ऐसे मैं बिहार छोड़ के मैं इस यूपी आया क्यों हूँ, तो मैं पीछे ब्लॉग में भी आप लोगों को बताता हूँ कि मैं यूपी में पेट्रोल लेता हूँ, वही पेट्रोल लेने जा रहा हूँ। ब्लॉग बनाने का उद्देश्य मेरा यही है, आप लोगों की सहायता से हमने अपना सब्सक्राइबर 1300 पूरा कर लिया है। इनके लिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद, जो हमें आप लोगों ने पसंद किया। मेरा दूसरा मुकाम वॉच टाइम पर फंस रहा है, तो भाई और बहन, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ और बिजनेस जॉब है। मैं सोचता हूँ कि मैं क्या बनाऊँ ब्लॉग कि लोग मुझे, आप मुझे पसंद करें। रही बात, ब्लॉग बना भी लेता हूँ तो जो भी डिस्क्रिप्शन में टैग में लगाना है वो ढंग से मैं लगा नहीं पाता हूँ। और हमारे जो भी सीनियर क्रिएटर हैं, उनमें छोटे ही हैं लेकिन बहुत ही हैं हम लोगों के लिए। जब वो मोनेटाइज हो चुके हैं तो बहुत ही हैं, लेकिन मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी वो लोग समझाते हैं वो तरीक़ा से थोड़ा समझाएं, तेज़ी में नहीं समझाएं। बहुत हमारे क्रिएटर ऐसे हैं जो एक दो क्रिएटर को छोड़कर बहुत तेज़ी में लोग बोलते हैं, समझ नहीं पाते हम लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को ढंग से समझाया जाए, क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं और समझ में नहीं आता है बहुत तेज़ी में बोलने पर। और बारीकी से और शॉर्ट में समझाया जाए कि वो मुकाम हम लोग पाए। और ये वीर कुंवर सिंह सेतु पुल है, मैं पुरानी वाली पुल पर हूँ जिस पर छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ जो नया ओवरब्रिज बना है बक्सर में, मैं उसको दिखा रहा हूँ, उस पर बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। ये छोटा पुल है, पहले यहीं था इस पार से उस पार जाने के लिए, लेकिन अब देखिए ये बड़ा पुल, बड़ा पुल तो नहीं बोलेंगे, न्यू पुल बोलेंगे, क्योंकि ये पुल को डेड कर दिया गया है। ये जो पुल है डेड है, ये पुल डेड है। तो और सूर्य भगवान का दर्शन कराते हैं, डूबते सूर्य का दर्शन देख रहे हैं कहाँ पर है। ये सूर्य है जो कि अस्त हो रहे हैं, तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं अपने भैया और बहनों से यही बोलेंगे, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
ये वादा करता हूँ कि जिस दिन मुझे मोनेटाइजेशन मिल जाएगा और जो अर्निंग होगा उस अर्निंग का 25% गरीब में दान करूँगा और दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ दान किया। थैंक यू। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ। किसी काम से जा रहे हो, पेट्रोल लेना है और मुझे यहाँ से कुछ दूरी पर एक मार्केट लगता है, वहाँ गांव से लोग सब्जी लाते हैं। शहर की सब्जी में इतना खाद आ रहा है आजकल कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक गांव है चुरानपुर चौक है, जो पटना बक्सर पटना हाईवे में पड़ता है, यहाँ से 2 किलोमीटर है। वही सब्जी लाने जा रहा हूँ और ऑफिशियल वर्क से तो 3 बजे के करीब लौट चुका है। और एक बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हैं, मैं लाइव आऊँगा 5 मार्च को काठमांडू से, नेपाल से, तो पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन कराऊंगा आप सबको। ऐसे तो मुझे मिला था थाईलैंड का, लेकिन मैं नहीं पसंद किया थाईलैंड जाना भाई। मुझे अच्छा लगा पड़ोसी देश नेपाल। जबकि कंपनी को तो फायदा होगा, मुझे तो थाईलैंड के लिए मिला था, लेकिन मैं जा रहा हूँ काठमांडू। तो मिलते हैं, लाइव आएंगे 4 और 5 मार्च को नेपाल से। थैंक यू। मैं सुरेश ब्लॉक देवभूमि से, सुरेश सबको जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगे। सब्जी लेने का इरादा मैंने बदल दिया, शाम बहुत हो चुका है, मैं नहीं जाऊंगा जहां बोले थे जाने के लिए। और यहां पेट्रोल लिया, ये उत्तर प्रदेश का भरौली है, यहां भी बहुत देखे कि सब्जी की बड़ी मंडी है। क्योंकि हम अक्सर 3 बजे के आसपास में आते हैं तो ये मंडी नहीं दिखाई देता है, लेकिन अभी लगा हुआ है और बक्सर से हर चीज़ सस्ता। तो मैं सब्जी यहीं लिया। थैंक यू। यहां से अब यूपी समाप्त और गंगा पुल, उस पार बिहार।